बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के भिक्षाटन को मधुकरी कहा है। मधुकरी का अर्थ है मधुमक्खी की भांति शहद इकट्ठा करना। बहुत सन्यासी भिक्षु घर घर जाते हैं, वे कभी भी एक ही घर से नहीं मांगते, क्योंकि ये एक ही घर पर बहुत अधिक बोझ हो सकता है। इसलिए वे कई घरों में थोड़ा थोड़ा मांगते हैं, एक घर से थोड़ा, दूसरे घर से थोड़ा, ताकि वे किसी पर भी बोझ ना बने, और वे कभी भी उसी घर में दोबारा नहीं जाते। इसे मधुकरी कहते हैं, जैसे एक मधुमक्खी। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और फूल से फूल की ओर बढ़ती रहती है। ये गैर संग्रही होती है। ये फूल से इतना कम लेती है कि फूल की सुंदरता खराब नहीं होती, उसकी खुशबू नष्ट नहीं होती। फूल को मधुमक्खी के आने का पता भी नहीं चलता। वे इतनी चुपचाप आती है और चुपचाप चली जाती है। बुद्ध कहते हैं, एक जगा हुआ मनुष्य, एक साधक, इस संसार में एक मधुमक्खी की तरह जीता है। वह संसार की सुंदरता को कभी खराब नहीं करता, इस संसार की खुशबू को कभी नष्ट नहीं करता। वह चुपचाप जीता है, चुपचाप चलता है। वह केवल उतना ही मांगता है जितना उसे चाहिए। उसका जीवन सरल है, ये जटिल नहीं है। वह कल के लिए इकट्ठा नहीं करता। मधुमक्खी कभी कल के लिए इकट्ठा नहीं करती। आज अपने आप में पर्याप्त है। बुद्ध कहते थे, जीवन की इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आने वाले 4 कदम को देखना काफी है। अपने जीवन को ध्यान से देखो, उसे समझो। अगर तुम इसे गहराई से देख सके तो तुम देख सकोगे कि जितना चाहिए उतना पर्याप्त जीवन ने दिया है, तुम्हें संभाला है, तुम्हारा ख्याल रखा है। जैसे जैसे ये आंख गहरी होती है, देखने को सक्षम होती है, तुम्हारी यात्रा ईश्वर की तरफ मुख कर लेती है। प्रणाम।